हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार अकाउंट्स में हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स के थ्योरी के 9 ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिनके इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव टू सर्कमस्टांसेस व्हेन द फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में चेंज। आपको दो सर्कमस्टांसेस बताने हैं जिनके अंदर फिक्स कैपिटल जो होती है पार्टनर्स की वो चेंज हो सकती है। बेसिकली जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है, जो पार्टनर्स पैसा लगाते हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो होती है जो बार बार चेंज होती है, फिक्स कैपिटल यूजुअली चेंज नहीं होती है। आपको वही दो सर्कमस्टांसेस बताने हैं जिनमें फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकती है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट 4 रीजंस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में हम लोग गुडविल क्यों निकालते हैं उसके आपको 4 रीजंस बताने हैं। गेटिंग इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 ओकेजन्स ऑन विच अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। आपको बताना है कि पार्टनरशिप फर्म कब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, 4 ऐसे ओकेजन्स बताने हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, चेंजेस आते हैं उसके अंदर। ठीक है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एनी 1 रीजन फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। किसी भी जब हम पार्टनर को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो उसका कोई एक रीजन बता दो। ये रीजन आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना और इसको लर्न भी कर लेना अच्छे से। ठीक है, ओनली 1 रीजन पूछा, ज्यादा रीजन नहीं पूछा है एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म के। एग्जाम में कई बार ये 1 मार्कर में दिक्कत देता है बच्चों को। ठीक है, बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे उनको दिक्कत आती है। ठीक है, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच लायबिलिटीज आर टू बी पेड फर्स्ट। जब भी पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन होता है तो कौन सी लायबिलिटीज को पहले पेड ऑफ किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एनी 6 रीजंस इन विच द कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। आपको कोई भी ऐसे 6 रीजंस बताने हैं जिसमें कोर्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देती है। ठीक है, सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स में आपको सिर्फ 3 डिफरेंस लर्न करने हैं, तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना। ठीक है, सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। 4 से 5 डिफरेंस कर देना, मोर देन इनफ है वो भी। ठीक है, नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं उसका आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। ठीक है, तो ये 9 ऐसे क्वेश्चन है जो कि थ्योरी साइड से कई बार आपके अकाउंट्स के पेपर में पूछे गए हैं, जिनके इस साल भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इन 9 क्वेश्चंस को पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। इस 9 के 9 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो, पेन डाउन करो, पढ़ो, समझो, याद करो। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।